हमें
ऐसे हुक्मरान मिले हैं जो हुजूर सारा के सामने पिच पिच जाते हैं, लेकिन गरीब मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ उठाते हैं। ये भी अल्लाह के अज़ाब की एक सूरत है। अमालुकुम उम्मालुकुम, सच्ची जबान में सच्चा कौल इरशाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान, जैसे तुम्हारे आमाल वैसे ही तुम्हारे उम्माल और हुक्मरान। अमल करने वाले हम हमारे जैसे, जो हलाल हराम जायज नजायज के सब फर्क मिटा देते हैं, जिनकी रातें रक्सों सुबह में गुजरती हूँ, नाच गाने में गुजरती हूँ, फहाशी कुरियत में गुजरती हूँ, इसमत दरी में गुजरती हूँ, शराब नोशी में गुजरती हूँ, और हम चाहें कि हमें हुक्मरान मिले उम्र फारूक जैसे। अगर हुक्मरान उम्र फारूक थे तो जरा रियायत को भी तो देखें, ये रियायत कैसी थी, रियायत थी उस्मान गनी जैसी, रियायत थी अली बिन मुर्तजा जैसी, रियायत थी हजरत महाज जैसी, रियायत थी हजरत साद जैसी, रियायत थी हजरत अबू बकर जैसी। हमें तारा से पता चला अल्लाह आलम सवाब कहाँ तक हकीकत है कि पूरे मुल्क में बदकारी के 5 लाख अड्डे हुए, जो इंफरादी तौर पर बदकारी होती है वो अलग, 5 लाख बगैदा कारोबारी अड्डे उस मुल्क में, जिस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अड्डे पर 2-4 कस्बियों तवायफों कंजरियों और भंडियों का भी आप हिसाब लगा लें, 5 लाख का हिसाब लगा लें, और वहां आने वाले जिन्स परस्तों शहवत परस्तों और चलते फिरते दरिंदों का हिसाब लगा लें तो कहां तक बात पहुंचती है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माओ बहनों और बेटियों, यकीन जाने शरीफों के घर से हल्ला के जनाजे हो रहे हैं। मैं शरीफों की बात नहीं कर रहा, मैं खबीसों की बात नहीं कर रहा, मैं मिरासियों की बात नहीं कर रहा, मैं कंजीलों के घरानों की बात नहीं कर रहा, मैं शरीफों के घरानों की बात कर रहा हूँ, मैं सैयदों के घरानों की बात कर रहा हूँ। आज मैं अखबार देख रहा था कि अभी हमारी जो वजीर सियाहत है, जिनका एक वाक्य बड़ा अखबार में शायर हुआ और वो इस वाक्य पर कतान शर्मिंदा नहीं है, बल्कि बड़े फख्र और तकब्बुर के साथ अपनी बदकारी का दिफा कर रही हैं कि उन्होंने बैरून मुल्क फिजा से छलांग लगाई और फिर एक गैर मुस्लिम ने उनको अपने सीने से चिमटा लिया, उसके साथ उन्हें मान कर दिया, बसरे आम एक इस्लामी मुल्क की वजीर साहबा। कौन सा इस्लामी मुल्क, जिसका दस्तूर इस्लाम है, जिसकी बुनियाद इस्लाम है। याद रखिए, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, और जिसका क़याम लैलतुल क़द्र के मौके पर हुआ। मुझे अखबार से पता चला कि ये खातून, ये बिगड़ी हुई खातून, ये सैयद खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं नाम नहीं ले सकता, इतना बड़ा खानदान है, मैं नाम नहीं ले सकता, यकीन करें, नाम ले लूं तो आपके पसीने छूट जाए, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ और तहकीक के बाद के आपको बता रहा हूं। हमारी फिल्मी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मशहूर अदाकार, हमारे एक ऐसे इन्हीं घराने से ताल्लुक रखता है कि हम अगर उसके बाप दादा
इलम को देखने के लिए सर उठाए तो हमारी टोलियां नीचे गिर जाए, इतने बड़े घराने से कार्य करते हैं। शरीफों के घर से हजार के जनाजे हो गए, शरीफों के घरानों से। मुझे अक्सर वो बात याद आता है, कादी सानन शुजाबादी नबर अल्लाह मरतबा हुए। मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे जैसे मौलवियों ही के इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमा होगा कि लोगों को घुमंड न करो, ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह की अता है। वो जिसे चाहे अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले और जिसे चाहे वो फरमा दे, चाहे तो दुहारों के बेटों को, तुम्हारों के बेटों को, गोचियों के बेटों को, चुलाहों के बेटों को, कमियों के बेटों को, काश्तकारों के बेटों को, मैं कहता हूँ मिरासियों के बेटों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, और चाहे तो उनकी अपनी बदआमालियों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से मौलवियों की औलाद को, सैयदों की औलाद को, पीरों की औलाद को, कारियों की औलाद को दीन की खिदमत से महरूम कर दे। हजरत ने मौके पर कहा जाता है कि फरमाया था कि रब देखो, अल्लाह का इंतखाब देखो, अल्लाह की अदा देखो। वारिस शाह जिसने हीर लिखी, पंजाबी अदब का शाहकार ही वारिस शाह, सैयद खानदान का बेटा है वारिस शाह, लेकिन वो इश्किया नावल पर मुश्तमिल किताब हीर लिखता है और गैर मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखता है, अहमद अली लाहौरी, और वो कुरान की तफसीर लिखता है। अल्लाह जिसे चाहे कबूल फरमाए, यकीन करें हम तो मदरसों में देख रहे हैं बस बड़ों बड़ों की औलादें हैं महरूम हो रही थी, साहबजदगी का घुमंड, पितरन सुल्तान हुआ, मेरे अब्बा जान ऐसे हैं और वैसे हैं, दादा जान ऐसे थे और वैसे थे, तो इसी पर राज कर रहे हैं। वहाँ ये तो पूछा जाएगा कि अब्बा जान कैसे थे, वहाँ तो ये पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो। अल्लाह आलम की रवायत कहाँ तक सही है, कहा जाता है कि जब सैयद फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कब्र में रखा जाने लगा तो किसी ने जोश में कहा, ऐ कब्र जरा ख्याल रखना, सोचना कौन सी हस्ती तेरे हवाले की जा रही है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे चश्म है, ये हजरत हसनैन की हालत है, ये अली मुर्तजा की सौदा मुतहरा है। कब्र से शायद ज़माने हाल से आवाज आई हो, ज़माने काल अल्लाह ने देती हो, कब्र से आवाज आई, मैं वो जगह नहीं जहाँ ये बताया जाए कि किसका बेटा है और किसकी बेटी है और किसकी माँ है और किसकी बीवी है, मैं तो वो जगह हूँ जहाँ सवाल किया जाता है कि तेरे आमाल क्या है, तुम क्या लेकर आए, दहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुम्हारे आबाओ औलाद के लिए वो जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि वो क्या करते रहे, तुमसे सवाल किया जाएगा तुम क्या करते रहे। हमारे बहुत से सीधे साधे भाई, बटके हुए भाई, दुकानदारी सजाने वाले जाली और नकली पीरों की बातों में आ जाने वाले भाई, वो ये समझते हैं कि जो बड़ों की गद्दी पर बैठा हुआ वो बड़ा है, चाहे आमाल उसके कैसे ही क्यों ना हो। हमारे पंजाब में कहते हैं सीन को सलाम, सीन को सलाम, यानी सैयद की सीन को सलाम है चाहे आमाल कैसे हो। चुनाचे ऐसों को मुर्शिद बनाए बैठे हैं, मुर्शिद बनाए बैठे हैं, और मुर्शिद क्या महाज अल्लाह मुश्किल कुशा बनाए बैठे हैं, हाजत रवा समझ रहे हैं, औलाद देने वाला समझ रहे हैं, कैसों को जो रीछ और कुत्ते की लड़ाई कराते हैं, जिनकी सरपरस्ती में शराब और हीरोइन का कारोबार होता है,
جو تاریخوں اور ڈنڈیوں کے اڈے چلاتے ہیں، رسا گیر ہیں، بدماشوں کے لیے پناہ گیر ہیں، اور ایسے بھی ہیں اپنی مریدوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس سے کھیلتے ہیں، اور یہ پھر بھی انہیں کو اپنا مرشد ربی معاذ اللہ عادت کرو اور مشکل کشا مان رہے ہیں۔ تو بھائیو، شریفوں کے گرانے سے حیا کے جنازے ہو رہے ہیں، بات بہت دور تک پہنچ گئی، بہت دور تک پہنچ گئی۔ تو کبھی کبھی خیال آتا ہے ہم لوگوں کے بہت گناہگار ہیں، یقین کریں بہت گناہگار ہیں، اور گناہگار ہیں تو دل میں رقت بھی نہیں، زبان میں اثر بھی نہیں، الفاظ بھی بے معنی۔ اور اپنی امت کو پھر امت بنانے کے لیے حضور کو کتنی محنت کرنی پڑے۔ وہ تو ایک طائف تھا، پتہ نہیں امت کتنے طائف سجائے گی، پتہ نہیں امت کتنے طائف سجائے گی، پتہ نہیں امت کتنے پتھر ہاتھوں میں اٹھائے گی۔ نعتیں پڑھنا آسان ہے، قوالیاں گانا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، بس کرنا، تقریریں کرنا آسان ہے، میرے بھائی کو عمل کرنا مشکل ہے، قربانی دینا مشکل ہے۔ اصل اور قربانی ہے، باتیں نہیں، صرف باتوں سے مت بیوقوف بناؤ کسی کو۔ ہم ایک دوسرے کو باتوں سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں مارا، اللہ کو کیسے بھائی، اللہ تمہارے دل کا حال کیا بن گیا۔ باتیں تو منافق بھی بڑی اونچی اونچی کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر، قسمیں کھا کھا کر۔ اللہ کہتے ہیں اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں، قسم قسم کھاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، بے شک یقین البتہ آپ اللہ کے رسول۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کتنی تعبیرات ہیں ان کے کلام میں، ان کے دائرے میں، ان کی نعت میں، ان کی شاعری میں کتنی تعبیرات ہیں۔ نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے کیا کہا، واللہ یعلم انک لرسول، میں خوب جانتا ہوں اے محمد آپ میرے رسول ہیں، میں جانتا ہوں۔ واللہ یشہد انک منافقون، منافقین لکاذبون، وہ قسم اٹھاتے ہیں تو میں بھی قسم اٹھاتا ہوں، بے شک یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ باتیں کر رہے ہیں اتخذ ایمان جن کا تصدق ان سبیل اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقهون، باتوں سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیو، ایمان سے، عمل سے۔ جو باتیں ذہن میں بار بار کھٹک رہی ہے، اور کہنا چاہتا تھا اور کہنا چاہتا ہوں، سوئے ہوئے زمین کو جگانے کے لیے، سوئی ہوئی خیر کو جگانے کے لیے، حیا کو جگانے کے لیے۔ کیونکہ الحمدللہ درس قرآن انٹرنیٹ پر نشر ہوتا ہے، اتفاق سے اس پر میرا فون نمبر بھی لگ گیا، اکثر عجیب و غریب قسم کے فون آتے رہتے ہیں، اگرچہ میں زیادہ تر فون بند ہی رکھتا ہوں، مشکل ہے، کام کر نہیں سکتے اگر ہر وقت سنتے رہتے ہیں، لیکن عجیب و غریب یہ دو تین دن پہلے کا چونکہ واقعہ ہے، اس لیے یاد رہا اور اب تک میرے ذہن کی دیواروں کے ساتھ چپکا ہوا۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ کوئی بہت زیادہ ان کی آواز میں لرزش نہیں تھی، ندامت نہیں تھی، شرمندگی کا احساس زیادہ بھی نہیں تھا جو میں نے محسوس کیا۔ وہ صاحب پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب بہن کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اب کیا کروں؟ اندازہ کیجیے، پوچھ رہے ہیں اب کیا کروں؟ میں نے ایک ساتھی کو بتایا، بھائی دیکھو جہاں تک نوبت پہنچ گیا، لوگ
ऐसी बातें पूछ रहे हैं, ऐसे मसाइल पूछ रहे हैं। उसने पाकिस्तान में चलने वाले एक मशहूर चैनल का नाम लेकर बताया कि उस चैनल ने, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसने बताया, आपको बताने वाला बहुत नेक है, उसने बताया कि एक चैनल ने इस किस्म का एक प्रोग्राम नशर किया जिसमें इशारतन किनायतन ये रास्ता दिखाया गया कि शहवत की आग बहन के साथ और बेटी के साथ भी बुझाई जा सकती है। महादुआ उसकी भी रास्ता दिखाया। और जब मैंने खुद अखबार में देखा कि एक मशहूर चैनल ने ये प्रोग्राम नशर किया और फिर इस पर बड़े तबसे हुए, रोजनामे इस्लाम में भी कई कारण इस पर छपे, वो जो प्रोग्राम नशर हुआ वो हम जिस परस्ती के जवाब में, हम जिस परस्ती को जायज साबित करने के लिए उसके जवाब पर दलायल किए गए। और दुख की बात ये के मेजबान ने यहां तक कह दिया कि वो अल्लाह वाले जिन्होंने तजर्रुद की जिंदगी गुजारी, बगैर शादी की जिंदगी गुजारी, बात ऐसे लोग ऐसे हैं। बहुत मशहूर किताब अभी आई है और उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका, शेख अब्दुल सत्तार उर्दा की किताब अरबी में, उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो गया। यानी ऐसे उलमा का तज़किरा जिन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की, और शादी किस लिए की, अपनी इल्मी अमली दाती तबलीगी जिहादी मसरूफियात की बिलावत, आधा किरदार के लोग अगरचे असल तो ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए शादी वाली जिंदगी गुजारी जाए। मुसलमान के उसका तो हुजूर है, लेकिन शादी करना जो ऐसा शख्स अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता हो और जिसके जिना में मुबला होने का खतरा ना हो, उसकी शादी ना फर्ज है ना वाजिब है। और अगर किसी बड़े मकसद के लिए शादी नहीं करता और इज्जत और अज़मत का भी एहतमाम करता है तो कोई उसको गुनहगार भी नहीं कह सकता। लेकिन जो बात कहने लगा हूँ वो ये कि उस प्रोग्राम के मेज़बान ने या मेहमान ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो बड़े बड़े गुजरे हैं तजर्रुद की जिंदगी गुजारने वाले, वो भी तो इसी तरीके से हम जिस परस्ती से अपनी आग बुझाते हैं, शर्मानी आग। भाइयों बहुत दूर तक मामला निकल गया। खुदा अपने गुलाम घरानों की फिक्र कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए, अपने घरानों की फिक्र कीजिए। बात ये कर रहा था कि अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ सूरतें, जालिम हो मनालों का मुसल्लत हो जाना ये मुस्तकिल अजाब है। मैं अजीब बात देखता हूँ कि बहुत से ऐसे महकमे जो बाहर की दुनिया में आवाम के लिए बायस से बाहर होते हैं, बायस से हिफाजत होते हैं, हमारे लिए वो भी बायस से जहमत बने हुए, बायस से अजाब बने। मेरे पुलिस वाले भाई माफ करें, लेकिन हकीकत यही है, रात को अगर कोई मजदूर अकेला रोड पर जा रहा हो तो शायद बगैर वर्दी वाले को देखकर उसे खौफ ना हो, लेकिन किसी वर्दी वाले को देखकर वो खौफ सदा हो जाए। ये बात कैसे मजदूर मिले, चाहे करीब रात को 2 बजे 1 बजे कहीं छुट्टी मिली, अब घर जा रहे हैं और जेब से सिर्फ 100 रुपए वो भी उन्होंने निकाली। वो महकमे जो उनके लिए दूसरी कौमों के लिए बायस राहत हैं, बायस हिफाजत हैं, बायस इत्मीनान हैं, हमारी वो भी बायस जहमत बने हुए, दिलों का सख्त हो जाना ये भी अल्लाह के अजाब की एक सूरत है। अल्लाह कहते हैं यहूदियों को जो मैंने मुख्तलिफ
عذاب میں مبتلا کیا، ان میں سے ایک عذاب دل کی سختی بھی تھی۔ ثم حسد قلوبكم من بعد ذلك فشكل الحجاره او اشد قسوه، ان کے دل تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، دور دور تک لوگ سیلاب ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے قریب کے لوگ سیلاب ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا نہیں نکلتا لیکن خود اللہ کے ڈر سے وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ تم نہ تو ان پتھروں کی طرح ہو سکے جن سے پوری دنیا سیلاب ہوتی، پوری دنیا میں تمہارا فیض پہنچتا۔ ارے میرے بھائیو، میری بہنوں، یقین کریں مغرب کے پاس معاشی ترقی ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ذہانت ہے اور مادی ترقی کا عروج ہے، لیکن ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، بہت سارے لوگ تجربہ کر چکے، آپ بھی تجربہ کر لیجئے، دولت کا انبار لگا لیجئے، وسیع و عریض کوٹھی بنا لیجئے، لمبی چوڑی نئے ماڈل کی گاڑی خرید لیجئے، اور شہرت کے بام عروج تک پہنچ جائیے، ہر بار ایک نئی پینشن کا انتظام کر لیجئے، دنیا کی قیمتی سے قیمتی شام مہیا کر لیجئے، اللہ کی قسم آپ کو سکون اور اطمینان نہیں مل سکے۔ اور کیسے ملے گا؟ دل کا بنانے والا اللہ کہتے ہیں کہ اس مشین کو میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ دل نہ روٹی سے مطمئن ہو سکتا ہے، نہ پانی سے مطمئن ہو سکتا ہے، نہ مرتن غذاؤں سے مطمئن ہو سکتا ہے، نہ سونے چاندی کے انبار سے مطمئن ہو سکتا ہے، نہ کرسی اور اقتدار سے اس کو سکون مل سکتا ہے۔ اس کو اگر سکون ملا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، اور کسی چیز سے سکون نہیں مل سکتا۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو تعجب ہوگا، میں نے دیکھا، اخبارات میں دیکھا کہ اس وقت دنیا میں مادی ترقی کے اعتبار سے مغربی ممالک میں بھی سب سے آگے ہوئے سویڈن ہیں مادی ترقی کے اعتبار سے، اور فیصد کمائی کے اعتبار سے، فیکس کی کمائی کے اعتبار سے، مادی سہولتوں کے اعتبار سے آپ کو ہر چیز مل سکتی، یعنی آپ کی دنیاوی اور مادی خواہشات پورا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، ساری مادی خواہشات۔ کافر کی جنت ہے دنیا، اس نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا، آقا نے فرمایا کافر کی جنت ہے، ایک مومن کی بھی جنت ہوگی، وہاں مومن کی خواہشات کی تکمیل میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہائے اللہ، اللہ کہیں گے دنیا میں تم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیتے اللہ کیا چاہتا ہے، آج میں جنت میں تم سے یہ پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو۔ ارے کون سوال کرے گا، خالق مخلوق سے، معبود عابد سے، اے مالک غلام سے، بندہ ناراض بندہ سے، وہ طاقت والا کمزور سے سوال کرے گا۔ بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم بلکم فیہا ما تتقون نزلاً من غفور رحیم۔ یہ بات یہ شعر جو بات کہی گئی، کر خودی کو بلند کتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، بتا تیری رضا کیا. اللہ کہتے میں نہیں کہتا، تو بتا تیری رضا کیا. اللہ کا دل میں ڈالتا، میں نے شکر عرض کیا تھا کہ اللہ کا تو دل میں ڈالے، وہ عرض کر دیا ہے. اب اس بات کو بعد میں مکمل کرنے کی بات دل میں آ گئی، وہ یہ کسی نے ابو الہیہ سے پوچھا سناؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے. اس نے کہا کیا بتاؤں، ایسی زندگی گزار رہا ہوں نہ رحمان خوش ہے نہ شیطان خوش ہے نہ میں خود خوش ہوں. وہ کیسی؟ اس نے کہا رحمان کہتا ہے کہ پوری اطاعت کرو مجھ سے ہوتی نہیں، شیطان کہتا ہے بڑے بڑے جرم کرو ان کی میرے اندر جرات نہیں، اور میری لمبی چوڑی خواہشات ہیں جو پوری ہوتی نہیں ہے، تو کوئی بھی خوش نہیں. پر ایک اللہ والے سے پوچھا کسی نے بتاؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے. اللہ والے نے کہا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، ایسی مزے کی زندگی گزار رہا ہوں کہ جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. ایسا تو کسی نبی اور کسی ولی کے لیے اختیار ہو نہیں کہ جو چاہے وہ ہو جائے. انہوں نے ذاتی مطلب سمجھا، میرے آقا نے آپ کے آقا نے چاہا وہ دارِ اسلام قبول کر لے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میرے آقا تو یہ چاہتے تھے اس دنیا کا ایک انسان کلمہ پڑھ لے، لیکن آپ کی یہ چاہت پوری نہ ہو سکی. آپ کی ہر چاہت کیسے پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیا. جو ہوتا ہے میں کہتا ہوں میرے اللہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. اگر وہ کھلا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میں وہ کھانا چاہتا تھا، اور اگر کبھی بھوکا رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میرا دل کہتا تھا میں کبھی کبھی بھوکا بھی تو رہا کروں نا، مجھے بھوکوں کی تکلیف کا بھی تو احساس ہو. وہ صحت دیتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہتا ہوں، وہ بیمار کر دیتے ہیں تو میں تو بھی الحمدللہ کہتا ہوں. تو ایسے لوگ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں، ان کے لیے اللہ پاک دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے. کہ اللہ تو جو چاہے جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں. واقعہ کو آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن اب موقع ہے تو دوبارہ سنا دوں. کہا جاتا ہے کہ حضرت میاں محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں سے گزرے ہیں، درد گردا تھا ان کو، اور اللہ نے کہے کسی کو درد گردا ہو، اگر آپ کو ہوا ہو یا آپ نے کسی درد گردا والے کو دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے، تڑپتا ہے، کسی کروٹ اور کسی پل چین نہیں آتا، نہ بیٹھے نہ لیٹے نہ کھڑے. تو ان کو درد گردا تھا، دیہاتی علاقہ تھا، گرمی کے دن تھے، کچا مکان تھا، ٹھنڈی ریت کو ڈلوا لیتے اور درد کی وجہ سے لوٹتے پڑتے تھے، اور ایک سادہ سا شیر بنا رکھا تھا خود ہی، وہ پڑھتے رہتے تھے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. وہ تو سجن ہے، وہ تو حقیقی دوست ہے، وہ تو میرا مالک ہے، وہ تو میرا معین ہے، وہ تو میرا محسن ہے، وہ تو میرا رحمان ہے، وہ تو میرا رحیم ہے، وہ تو میرا رزاق ہے، وہ تو میرا ودود ہے. اس کی طرف سے لطف و کرم تو ہر وقت ہوتا ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس کے لطف و کرم کی بارش برستی رہتی ہے. وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ پہناتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن تکلیف اور پریشانی کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی کبھی. لطف سجن دم بدم قہر سجن کا کا اینی سجن واہ واہ تے اونی سجن واہ واہ. اس حالت میں تھے وہ بھی ہم کہیں گے الحمدللہ، اس حال میں رکھے تو بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ. یہ بتائیے بات ہوا
yang menghadapi dunia ini, jom mati syahwani, jinsi, hewani, khasyatnya. Unki takmirnya koi cheez uska bad nahi. Almati karti ke baad se sosial aage ab dekhi Allah na kare jo mati takaze hain shahwani jinsi hewani takaze hain aur chahiye mil jaye sharab chahiye mil jayegi aapko biwi chahiye ek telephone call par mil jayega fridge chahiye gaadi chahiye har cheez mil jayegi bank ke liye hukumat deti hai बेरोजगारों को अरोज मिलता है मुफ्त इलाज मुहैया है माती खाशा की तकमील में कोई चीज रुकावट नहीं लेकिन इसके बावजूद खुद खुशी का तनासुब सबसे ज्यादा उस वतन के अंदर है और मुसलमान ममालिक में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां गुरबत इंतहा तक पहुंची हुई खुदा पाकिस्तान में मजदे सारे ही अमीर हैं मजदे कि सब कुछ सच चुमाने के लिए मकान मुयसर है मत समझे कि सब दो वक्त की रोटी खाते हैं अल्लाह की कसम मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके हाँ कई कई दिन साल नहीं पकता है हमारे घर में एक औरत आने जाने लगी तो हमारे कुछ साथियों ने कहा और मजबूर औरत थी इसको कहें हमारा सालन पका दिया करें हमारे घर में सालन हमारे लिए पका दिया करें हम उसको महाना कुछ वजीफा दे दिया करें और औरत की उम्र इतनी है कि उसकी बेटियों की भी शादी हो सकती लेकिन यकीन करें कि ताज्जुब हुआ ये सुनकर कि उसने कहा मुझे सालन पकाना नहीं आता इसलिए कि हमारे घर में सालन नहीं पकता चटनी अचार मिर्च वगैरह से गुजारा करते रहे गुरबत बाप से विरासत में मिली शौहर इंतकाल कर गया और ज्यादा से ज्यादा आलू उबा लेते हैं या दाल उबा लेते हैं लेकिन ये ऐसा सालन चाहते मुझे बताता आता ही नहीं गुरबत है यहाँ भी गुरबत है अफगानिस्तान में गुरबत है कई ममालिक में गुरबत है लेकिन आपको खुदकुशी का तनासुब वो नहीं मिलेगा जो मादी ख्वाहिशात में डूबे हुए मुल्कों में है क्यों अगरचे मजहब से उम्मीद बहुत होगी लेकिन अब भी अल्लाह के जिक्र करने वाले हैं और अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है इंसान खुदकुशी करते हैं जब मुस्तरिब होता है बेकरार होता है और मायूस होता है मायूस जानते हैं कि हमारे दीन के अंदर तो मायूसी ऊपर है ऊपर अल्लाह कहते हैं ला तयअसु मिन रब्बिल्लाह इन्नहु ला तयअसु मिन रब्बिल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल काफिरून ईमान वालों अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाना इसलिए कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो काफिर होते हैं सिर्फ काफिर होते हैं अल्लाह कहते हैं इल्ला अल-क़ौमुल काफिरून मेरी रहमत से नाउम्मीद सिर्फ काफिर होते हैं मोमिन मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होता हालात खराब हो जाए वसाइल और असबाब तबाह हो जाए अजीज और अकारिब छोड़ जाए बीमारियों का वसाइल और आलाम का हुजूम हो लेकिन मोमिन कभी मायूस नहीं होता हाँ और गुनहगार भी हूँ तो मायूस नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों मेरी बहनों मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह कहते हैं या इबादी الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اے میرے بندو میں اس کا ترجمہ با محاورہ کیا کرتا ہوں اللہ کہہ رہے اے میرے گناہگار بندو یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم میرے گناہگار بندو اے شرابیوں اے زانیوں اے بدکاروں اے بے نمازوں تم کچھ بھی صحیح لیکن ہو تو میرے بندے میرے بندے میں کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جانا بے شک تمہارے گناہ صحرا کی ریت کی طرح کیوں نہ صحیح سمندر کے پانی کے قطروں میں سے ہی کیوں نہ صحیح لیکن میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارے گناہ
मेहरबान हूं मैं, सहन करने वाला। समुद्र के कतरों की भी हद है, दरख्तों के पत्तों की हद है, आसमान के सितारों की हद है, सर के बालों की हद है, और सहरा में पाई जाने वाली रेत के जरों की हद है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। उसने तो रहमत के 100 अज्जा में से एक जुज उतारा। अल्लाह कहता है, अल्लाह की नबी फरमाए, अल्लाह की नबी फरमाए, अल्लाह की रहमत के 100 जुज उसमें से एक जुज उतारा। माँ बच्चे से मोहब्बत करती है उसी जुज की वजह से, बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं उसी जुज की वजह से। अरे कुतिया, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी जुज की वजह से। हैवान अपने बच्चों पर तरस खाते उसी जुज की वजह से। कि भूखी प्यासी चिड़िया दूर दूर से गजा हासिल करके लाती है और बच्चों को खिलाती है रहमत के उस एक जुज की वजह से। जिन सारी मखलूक पर रहमत का एक जुज नाजिल किया और मखलूक के अंदर मोहब्बत का क्या आलम है और रहमत का क्या आलम है। जिस जात के पास रहमत के 99 जुज है उसकी मोहब्बत और रहमत का क्या ठिकाना होगा। मेरे भाइयों, आज का प्रोग्राम जो आदमी इंसानी पर बहुत सारे इसरार किए उनमें से एक एहसान आपका ये कि दिलों से मायूसी और नाउम्मीदी को खत्म कर। कई मसाहिब ऐसे थे जिन्होंने इंसान को मायूस कर रखा, ऐसे मसाहिब भी थे जिन्होंने ये नसीहत दिया कि हर बच्चा जो पैदा होता है तो गुनाहगार पैदा होता है। आपको ताज्जुब होगा, ईसाइयत का यही मजहब यही नजरिया, हर बच्चा गुनाहगार, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चे तक हर बच्चा गुनाहगार, और सब गुनाहगारों के लिए कफारा ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़कर उनके नजरिए के मुताबिक ये तसव्वुर दिया हर बच्चा गुनाहगार। बाद मजाहिब ने यह तसव्वुर दिया एक गुना हो जाए तो उसकी सजा लाजिमन मिलकर रहेगी चाहे वो कितना ही एक क्यों ना बन जाए। ये तसव्वुर रहा गुना की सजा लाजिमन मिलकर रहेगी। अरे मेरे आका, अरे मेरे आका, कायनात के आका, करोड़ों के आका, आपके कदमों की खाक पर मेरे जैसे करोड़ों कुर्बान हो जाए। आपने ये तसव्वुर दिया नहीं, जो बच्चा पैदा होते हैं वो मासूम पैदा होते हैं, और जो गुनाहगार तौबा करते हैं और उसकी आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और माफ भी ऐसा करते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि इसके नामा आवाज से मिटा दिया जाए। हुजूर उम्मीद पैदा करने के लिए है, उम्मीद क्या रास्ता क्या तरीका था मेरे आका का समझाने का और तरबियत का तस्किये का। मैं वाकस बात मीरा ला रहा आका के अंदाज तरबियत का और आपके समझाने का। अल्लाह एक साहब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के झुंड में तशरीफ फरमा और उन्होंने आकर अजीब सवाल किया, कहने लगे अतअज़रुनी फिस्सिना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मुझे सिना की इजाजत देते हैं। सिना की इजाजत फसाहन्ना सुबीनी, सहाबा चीख पड़े अरे क्या बदतमीजी कर रहे हो, इजाजत और वो किसकी बदखाई की इजाजत। लेकिन मेरे आकर ने फरमाया खामोश रहो कर रही तू इसको करीब कर दो करीब हो गया। हुजूर ने फरमाया अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ भी बदकारी करे, पसंद करते हो। कहले अल्लाह जहाल ये अल्लाह हुदा है, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, मैं ये तो पसंद नहीं करता।
हदीस में आता है हुजूर ने इसी तरीके से बहन का जिक्र किया, बेटी का जिक्र किया, खाला का जिक्र किया, फूफी का जिक्र किया। क्या पसंद करते हो इनके साथ की बदकारी करे? कहने नहीं, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, मैं तुझे पसंद नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कज़ाले करना सदा हिकूर, जैसे तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारी माँ बहन बेटी फूफी खाला के साथ कोई बदकारी करे, तो लोग भी इसको पसंद नहीं करते। और उसके बाद मेरे आका ने मोहब्बत वाला हार, मुबारक हार उसके सीने पर रखा, अल्लाह हु अकबर, और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा तहिर कलबहु वाग़फिर ज़म्बहु वहस्सिन फरजहु। अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसके गुनाह को माफ कर दे और इसको इज्जत और असमत अदा कर दे। हुजूर ने ये दुआ की, हदीस में आता है वो साहब कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा गुनाहों में से सबसे ज्यादा जिस गुनाह से नफरत हो गई वो जिना ही था। समझाने का तरीका था मेरे आका का, तेरे भाइयों तेरे बुजुर्गों और दोस्तों मेरी बहनों और बेटियों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात में से एक बड़ा एहसान आपने मायूसी को खत्म किया और इंसान को अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बना दिया। कितना ही प्रकार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत का बहरहाल उम्मीदवार उसको रहना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हर कारी साहब को और उन बच्चों के वालिदैन को और उन बच्चों के इसातिज़ा को जिनको अल्लाह पाक ने हिफ्ज़े कुरान की अजीम तरीन सआदत अता फरमाई है। और एक गुजारिश करता हूँ, हमारे पंजाबी में कहते हैं लोग कि ऊठा वाले नाल यारी लाइए ते बूहे उच्चे रखने बंदे, ऊठा वाले नाल यारी लाइए ते बूहे उच्चे रखने बंदे। अगर ऊँटों वालों से दोस्ती लगाई जाए तो घर के दरवाजे पर नीचे रखने पड़ते हैं, इसलिए कि ऊँटों वाले आएंगे तो उनके लिए गुजरना कहीं मुश्किल ना हो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान के साथ दोस्ती लगाई है तो अब आपकी नजरें जरा ऊंची रखिए, अब अपने हौसले जरा ऊंचे रखिए, अब अपने आमाल जरा ऊंचे रखिए। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कई वालदैन जोश जज्बे में आकर अपनी औलाद को हाफिज तो बना लेते हैं लेकिन घर का माहौल नहीं बदलते, घर का माहौल नहीं बदलते, घर में बेपरदगी भी है, बेहयाई भी है, गाना बजाना भी है, सूद खोरी भी है, हराम भी है, झूठ भी है, सब चल रहा है और बच्चे को हाथों बना दिया कि अब ये मेरी निजात के लिए काफी है। अरे अल्लाह के बंदो खुद भी तो कुछ करो, करके माहौल को बदलो। और मैं इस मौके पर कभी कभी वो एक बच्चे का वाक्य सुनाया करता हूँ। हमारे यहाँ एक बच्चा था अमेरिका से आया हुआ, वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, कुरान हिफ्ज़ करना भी आसान नहीं, हर बात आसान नहीं है, पूरे जिगर देना पड़ता है, पूरे जिगर देना पड़ता है और कड़वी कसूरी सहनी पड़ती है और नींद और बहुत सी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती है। आसान नहीं है, मुश्किल है, बड़ी सहादत, लेकिन कुर्बानी मांगती है सहादत। अब वो अमरीका से आया वो बच्चा, अमरीका अमरीका के आजादी वाले माहौल में कुर्सियों पर सोफों पर बैठने वाला बच्चा साइकिलों पर बैठ कर बरकत ही नहीं है, छोड़ने की कोशिश की कि कुर्सियों पर बिठा कर सोफों पर बिठा कर हाफिज बनाए रहे, लेकिन वो हाफिज ही ऐसे फेस कुरान आता ही नहीं, वहाँ बड़ा कच्चा। रूहानी तो पैदा होती है चिटाइयों में, यकीन करें, और पुख्तगी आती है चिटाइयों में, और ईमान का नूर कुरान का नूर मिलता है सादगी के अंदर, ऐशी के माहौल में रहकर नूर नहीं मिलता, रूहानियत पैदा नहीं होती। भारत को आज़ादी के माहौल से आया वो बच्चा था, घबरा गया, परेशान हो गया, इसलिए कहने लगा कि हाफिज को बता इनकार करके साफ तौर पर। अब उसको समझाने लगे कि भाई कुरान का हिफ्ज़ कर लो, हाफिज
बंदोगे तो देखो क्या बोलते हैं तुम्हारे बाल गए तो ताज पहनाया जाएगा, इस तरह की वजीर थे। उसने जो जवाब दिया मैं आपकी तरफ से उसका तर्जमा करता हूँ, विद्वान के अल्फाज नहीं थे। तो उसके जवाब का हासिल ये था कि अगर मेरे बाल गए तो ताज पहनने के इतना ही शौक है तो कुछ करते मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना दिया। ताज को खुद पहनना चाहते हैं और कुर्बानी का बकरा बना दिया मुझे, खुद क्यों नहीं कुछ करते। तो मैं भी ऐसे ही बाल गए को कहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बना दिया, दोबारा खुद भी कुछ करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों अपने घर के माहौल को बदलो, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत तुम्हें अदा कर दी तुम्हारे बच्चे, इसलिए अल्लाह पाक ने अपनी किताब मुकद्दस महफूज कर दी। अल्लाह के बल वो आया तुम्हें गिना तुम की सुदूर लजीन अबूत लबी, ये इल्म वालों के सीनों में है अल्लाह की आयत। अरे लोग जहां अपनी दौलत रखते हैं, जहां अपना सोना चांदी से रात रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह को कितना मुअज्जज जानते हैं, कितना कदर की निगाह से देखते हैं, और जिस जगह में अल्लाह ने अपनी किताब मुकद्दस को महफूज किया, क्या उस जगह के सीने की अल्लाह की नजर में कदर नहीं होगी। तो खुदा का इस नियमत की कदर कीजिए, अल्लाह पाक ने आपको जितनी बड़ी नियमत अता फरमा दी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सबको ये नियमत अता फरमाए, हमारी औलादों को ये नियमत अता फरमाए। मैं आयत पढ़ी थी, अब ख्याल आया सिर्फ उसका मफहूम बताकर बात को खत्म कर रहा हूं। वसा बिहा इब्राहीम बनी याकूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, वहां पर क्या वसीयत की, इन अल्लाह अस्तफा लकुम दीन फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह तुम्हें दीन जैसी अजीम नेमत अता करती है, अब देखो दुनिया से दीन के बगैर न जाना, दुनिया से ईमान के बगैर न जाना। अरे अल्लाह के नबी को फिक्र है, हालांकि अल्लाह के नबी की औलाद में भी नबी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी वसीयत फरमा रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, देखो अल्लाह ने तुम्हें दीन अता कर दिया, ईमान अता कर दिया, आप सारी जिंदगी इसकी हिफाजत करना, मौत आए तो ईमान की हालत में आए, इस्लाम की हालत में आए, कुरान की तिलावत करते हुए आए। मैं भी यही वसीयत करता हूँ अपने आप को, अपनी औलाद को, आपको भी, बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई ने बताया, हमारे दोस्त हमारे हमदार साहब, तो सही बात यह कि लाहौर में हमारे पहले मुसलमान थी, वो मुताले कुरान के नाम से एक माहनामा शायर करते हैं, कभी कभार मेरा भी उसमें मजमून शायर हो जाता है, अगले तुम्हारे भी शायर एक मजमून आएगा, तो वो बाहर सकाल को मौजूद है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उसकी सालाना वकूलियत भी इख्तियार करें और अपने घरों में उसको जारी करवाएँ, ताकि कुरान उनके उर्दू व मारिफ आपके घरों में पहुँचे।